तो हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ड्यूरासेल अल्ट्रा के बारे में, जो कि मेरे फेवरेट सेल है। अगर मैं कभी शूट करने जाऊँ या फिर मेरे को अगर यूज़ करने हैं किसी माइक के अंदर या फ्लैश के अंदर, तो फिर मैं ये सेल प्रेफर करता हूँ गाइस, क्योंकि ये सारे रिलायबल सेल्स हैं। मतलब जब आपको आपका जो इक्विपमेंट बताएगा कि इसमें सिर्फ दो डंडी बची है, तो एक्चुअल में उसमें दो ही डंडी बची होती है गाइस, बाकी के सारे सेल्स इतने रिलायबल नहीं होते। ड्यूरासेल काफ़ी एक्सपेंसिव है नॉर्मल सेल से, लेकिन वो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करते हैं। जब आप किसी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में होते हो, जब आपको रिलायबिलिटी या फिर जो बता रहे हैं सिग्नल्स वही सच है, ये समझ के चलना है और एट द सेम टाइम सेफ फील करना है, और इसके बारे में सोचना नहीं है कि सेल कब ख़त्म होगा क्या होगा, तो आप ड्यूरासेल ले सकते हो गाइस, क्योंकि ड्यूरासेल सबसे ज़्यादा रिलायबल सेल्स है। मुझे तो काफ़ी सही लगते हैं गाइस, इनको बस सही से रखो जब आप इसको यूज़ करते हो, वरना फिर वो नीचे से ऐसे ख़राब हो सकते हैं। जैसे कि ये देखिए गाइस, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए नीचे से फुल करोशन हो चुका है, तो अभी ये सेल मैं वापस से यूज़ नहीं कर सकता हूँ। जैसे ही आप इसको यूज़ करते हो गाइस, उसके बाद इस सेल को आप रख देते हो, तो आपके इक्विपमेंट के अंदर मत रखो और नॉर्मल कोई भी ड्रॉवर के अंदर मत रखो, वरना फिर वो यूज़लेस हो जाएंगे। आप उसको किसी मस्त से छोटे से डब्बे के अंदर रख दीजिए, प्लास्टिक या फिर कोई तो वैसे डब्बे के अंदर, जिसके अंदर वो हवा के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा और करोजन नहीं होगा और ये ऐसा गंद नहीं फैलेगा गाइस। तो ड्यूरासेल इस्तेमाल करो और मुझे याद करो, या फिर जिसने आपको पहले बताया उसे याद करो यार, पहले ऐड भी तो आती थी।